आज प्रेम तत्व के विषय में कुछ चर्चा करनी है। ये प्रेम तत्व क्या है? वेद में तो तीन तत्वों का निरूपण है सर्वत्र। तमाम वेद मंत्रों में कहा गया कि तीन ही तत्व हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा। भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म, यानी एक भगवान, एक जीव और एक माया, ये तीन ही तत्व हैं। ये अनेक वेद मंत्रों में भरा पड़ा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य नश्नन नन्यो अभिचाकशीति। फिर कहता है वेद, समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मितिवीत शोकः। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते संयुक्तमेतत् शरम अक्षरं च। ये तमाम वेद मंत्रों में भरा पड़ा है कि तीन ही तत्व हैं। सनातन, तो फिर ये चौथा प्रेम तत्व क्या है? जो बात वेद में है वही बात रामायण तक समस्त ग्रंथों में है, समस्त दर्शन शास्त्रों में भी ये तीन तत्व बताए गए, पुराणों में भी भागवत गीता रामायण सर्वत्र इन तीन तत्वों का वर्णन है, निरूपण है। तो फिर ये चौथा प्रेम तत्व क्या है? इस प्रेम तत्व के विषय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, अरे भगवान के अवतार ही हैं वो, तो भगवान के जो 22 अवतार गिनाए गए हैं उनमें नारद जी भी एक अवतार हैं। तो वो भगवान के अवतार नारद जी, उन्होंने इस प्रेम तत्व के लिए कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये अनिर्वचनीय शब्द ऐसा है कि इसको जहां चाहे, जहां मन में आया लगा दिया और छुट्टी मिली। जैसे ज्ञानी लोग जब किसी चीज का वर्णन नहीं कर पाते, सही सही उत्तर नहीं दे पाते, तो हर जगह इसी शब्द को रख देते हैं। उनसे पूछा जाए संसार के विषय में, ब्रह्म के विषय में, किसी विषय में, तो वो कह देते हैं अनिर्वचनीय। तो इस प्रेम के लिए नारद जी ने कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो ये प्रेम तत्व, चौथा तत्व कहां से निकल पड़ा? तीन ही तत्व हैं, तो फिर ये चौथा तत्व कहां से आया? और वेद कहता है, इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परम किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः। वेद कहता है सबसे नीचे है हमारी इंद्रियां, उससे परे इंद्रियों के विषय, उससे परे है मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे भगवान। तो वो उस भगवान से परे और कुछ नहीं, यानी अंतिम तत्व है वो भगवान, उससे परे और कुछ नहीं। पुरुषान न परम किंचित, लेकिन ये प्रेम तत्व अलग से निकल पड़ा।
तो पुरुषार्थ ना परम किंचित की जगह क्या हो गया? पुरुषार्थ परम प्रेम। क्यों? क्योंकि ये लिंक है, ये प्रेमा शक्ति ऐसी शक्ति है जो भगवान से भी बड़ी है। भगवान इसके अंडर में है, प्रेम के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में माया, माया के अंडर में जीव, जीव के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन, और फिर मन के अंडर में समस्त इंद्रियां, ये लिंक बन गई। सबसे परे है ये प्रेम तत्व। तो ये जो वेद कह रहा है कि इंद्रिय मन बुद्धि से परे है आत्मा, तो प्रेम तत्व को जानने के लिए हम चले हैं, जबकि हमारे पास जानने का जो मैटर है वो क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, बस यही सामान है हमारे पास जिससे हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि तो आत्मा के विषय में ही फेल हो जाते हैं, उसी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद कहता है कि इंद्रिय मन बुद्धि वहां से लौट आते हैं कि हम तो मटेरियल हैं, दिव्य जगत में हमारा प्रवेश कैसे हो सकता है? आत्मा तो दिव्य है, उसी को नहीं जान पा रही है जब हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि इत्यादि, तो फिर प्रेम तत्व के विषय में कैसे जानेंगे? जिसके विषय में नारद जी ने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कि वहां शब्दों की कोई गति नहीं है, वहां तक वाणी नहीं जा सकती, उसके विषय में बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी गधों को समझाने के लिए नारद जी ने आगे कहा कि वो प्रेम कैसा है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दी मुंह का स्वादनवत। जैसे गूंगा कोई मिठाई खाए या कोई वस्तु खाए, नमकीन चीज खाए, कुछ भी चीज उसने खाई, अब उससे पूछा जाए कि वो चीज कैसी है तो कैसे बताएगा? अरे बहुत बढ़िया लगी उसको कोई मीठी चीज, तो मुंह हिला देगा, कोई ना कोई उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे उससे वो जाहिर करेगा, बता नहीं सकता, गूंगा क्या बताएगा। लेकिन श्री महाराज जी तो इससे एक कदम और आगे चलने को कहते हैं। वो कहते हैं अरे मुंह का स्वादन की बात छोड़ो, वाचाल आस्वादन मत कह दो, कि बड़े से बड़ा कोई बोलने वाला हो वाचाल, उससे पूछो कि रसगुल्ला कैसा है, कोई मीठी चीज का अनुभव उससे प्राप्त करो, उससे पूछो रसगुल्ला कैसा होता है तो वो क्या बताएगा। अरे गूंगा तो चलो बोल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई वाचाल भी है और उसने कोई मीठी चीज खाई और आप पूछते हैं कि बताओ रसगुल्ला कैसा है, तो वो क्या कहेगा? मीठा। ये बड़ा कमाल कर दिया उसने, गूंगा बेचारा ये दो अक्षर बोल नहीं पाया, मी और ठा, और ये वाचाल ने कह दिया मीठा, तो क्या मीठे से हमको अनुभव हो जाएगा कि मीठा क्या होता है? अगर वो कहता है कि मीठा है, हम कहते हैं ये मी और ठा से तो हमको समझ में आ ही नहीं रहा है कि तुम क्या बता रहे हो रसगुल्ले के बारे में। अरे कोई मीठी चीज तुमने खाई है? नहीं हमने तो कभी नहीं खाई। अरे हम तो नीम के कीड़े हैं, हमेशा नीम के वृक्ष में ही रहे, हमें नहीं पता मीठा क्या होता है, अब बताओ रसगुल्ला कैसा होता है। हम लोग माया के कीड़े, मायाबद्ध जीव, कोई मीठी चीज हमें पता ही नहीं है, उसका आस्वादन ही नहीं किया। किसी ने अगर कोई भी मीठी चीज खाई हो, अरे गुड़ ही खाया होता किसी ने, तो उसको बताना फिर भी आसान था कि जो तुम गुड़ खाते हो ना, उसमें जो मिठास होती है, तो उससे करोड़ों गुना अधिक मीठा होता है रसगुल्ला, तो वो फिर भी कुछ कुछ आइडिया लगा लेगा। लेकिन जिसने कोई मीठी चीज चखी ही नहीं, हम विष्ठा के कीड़े, मायाबद्ध जीव, तो
ऐसे व्यक्ति को कोई क्या अनुभव करा सकता? वो कहे कि हम तो नीम के कीड़े हैं, कोई मीठी चीज हमने खाई ही नहीं कभी, या कभी खाई भी तो हमको कड़वी लगी। मान लो किसी को पित्त का रोग हो जाता है तो उस रोग में वो मीठी चीज भी खाए तो उसको कड़वी लगे, और अगर किसी को सांप डस ले तो उस व्यक्ति को कड़वी चीज भी मीठी लगती। अब उसको जो अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आगे वो किसी और की बात थोड़ी मानेगा, वो तो अपना अनुभव ही मानेगा। तो अगर कोई मीठी चीज खाई ही नहीं हमने कभी, तो वो वाचाल भी हो अगर बताने वाला, तो केवल उसके मीठा कह देने से हमें क्या समझ में आएगा? अरे रसगुल्ला कैसा होता है, इसका मतलब तो ये है कि वो इस प्रकार से बताए कि हमें बोध हो जाए, ठीक ठीक समझ में आ जाए। तो किसी मीठी वस्तु का सेवन किया ही नहीं तो क्या समझ में आएगा? इसीलिए इस प्रेम के विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता। भगवान भी आकर के नहीं बता सकते। अरे भगवान ने तो बेचारे ने अपने ही बारे में हाथ जोड़ लिए, नेति नेति, मैं नहीं बता सकता मैं क्या हूं, मैं अपना निरूपण नहीं कर सकता कि मैं क्या हूं कितना हूं। मेरे बारे में अगर समझना है तो बस एक शब्द है अनंत, हर चीज के पीछे अनंत लगा दो छुट्टी मिले। मेरे नाम अनंत, गुण अनंत, रूप अनंत, धाम अनंत, ज्ञान अनंत, आनंद अनंत, हर जगह अनंत लगा दो, झगड़ा ही खत्म। तो कोई क्या बताएगा इस प्रेम तत्व के विषय में? यद्यपि महापुरुषों ने बताया है इस प्रेमानंद के बारे में कि ये प्रेम तत्व क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखां बोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति रसामृत सिंधु, उन्होंने कहा प्रेमानंद को समझना है तो बताया कि ब्रह्मानंद लो, एक ब्रह्मानंद होता है। तो आप कहते हैं अजी हमको तो ब्रह्मानंद भी नहीं पता क्या होता है, हम तो उसके बारे में भी नहीं जानते। अरे ठीक है नहीं जानते, मान लो कि एक ब्रह्मानंद होता है। वो महापुरुष कहते हैं कि प्रेमानंद के विषय में हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन तुम ये समझो कि एक ब्रह्मानंद होता है, और अगर उसको भी नहीं जानते तो बस समझ लो कि अनंत मात्रा की कोई अलौकिक आनंद होता है वो ब्रह्मानंद। तो वो ब्रह्मानंद लो, और उस ब्रह्मानंद में अगर कोई परार्ध से गुणा करे, परार्ध कितनी बड़ी संख्या होती है, एक लिखिए और इसके आगे 17 बिंदी लगाइए, 17 जीरो, जीरो 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 लगाते जाइए एक के आगे 17 तक, तो कितनी बड़ी वो संख्या बनेगी शंख पद्म तक। तो वो जो परार्ध से गुणा करने पर ब्रह्मानंद की जो मात्रा बनी, इतना बड़ा जो ब्रह्मानंद है उसको तराजू के एक पलड़े में रखो और तराजू के दूसरे पलड़े में क्या रखा जाए, तो उसके लिए कहा कि परमाणु तुलामपि, कि प्रेमानंद का एक परमाणु यानी छोटे से छोटा अंश जिससे छोटा और कोई टुकड़ा ना हो सके, इतनी सी मात्रा का प्रेमानंद तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो तो जानते हो क्या होगा? वो प्रेमानंद वाला पलड़ा नीचे रहेगा। तो नीचे कौन सा पलड़ा होता है तराजू का? जो भारी होता है, जिसमें वजन होता है, यानी वो जो अनंत मात्रा का ब्रह्मानंद है वो परार्ध से गुणा किए जाने के बाद भी प्रेमानंद के एक परमाणु के बराबर भी नहीं।
आप लोग संकीर्तन गाते हैं ना, प्रेमानंद बिंदु पर वारों कोटि ब्रह्मानंद, ऐसो है या प्रेमानंद। कैसा है ये प्रेमानंद? अनंत कोटि ब्रह्मानंद इस पर निछावर किए जा सकते हैं। तो इस प्रेमा शक्ति के विषय में कोई वर्णन कैसे कर सकता है जिसके अधीन होकर के भगवान की ये दशा हो जाती है। कैसी दशा? भागवत में वर्णन है, वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। कुंती कह रही है भगवान से, कब? जिस समय उसने भगवान को देखा, यशोदा मैया छोटे से कन्हैया को उखल में बांध करके और अपनी पतली सी वो सांटी, वो एक ही हथियार है मैया के पास ठाकुर जी को कंट्रोल करने का, तो वो दिखाते हुए पूछ रही है गुस्से में, क्यों रे लाला, ये जो सब कह रहे हैं तेरे सखा लोग, ऐसा करता है तू, ऐसा करता है, डराते हुए बात कर रही है पिटाई के इरादे से। तो उस समय ठाकुर जी की जो दशा है, वो जो कुंती ने देखी, कैसी दशा? मैया की उस पतली सी साटी से, केवल हिलाने से, अभी पड़ी नहीं है, मैया ऐसे ऐसे करके दिखा रही है, हिलाते हुए बात कर रही है, और उसी में ठाकुर जी की ये दशा है कि आंसू बह रहे हैं, और केवल आंसू नहीं, शरीर कांप रहा है, कपकपी छूट रही है, और मुंह लटका के नीचे मुंह करके आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं मैया से, इतनी बुरी हालत है, अभी डंडा पड़ा भी नहीं। तो ये जब दशा देखी कुंती ने, तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये भगवान है। अरे इनके विषय में तो मैंने सुना है, भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। अरे इनको तो मैं जानती हूं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये तो वो है सुप्रीम पावर जिसके डर से डर भी कांपता है, यमराज भी थर थर कांपते हैं जिससे ये वो पर्सनैलिटी है, और इनके यहां ऐसी दशा हो रही भय के कारण। तो महाराज जब मैंने आपकी वो झांकी देखी तो मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो विमोहयति, आपकी वो जो झांकी है मेरी बुद्धि को भुला देती है, कुंठित कर देती है। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये एक ऐसी अवस्था होती है बुद्धि की जहां वो निष्क्रिय हो जाती है, कुछ सोच समझ नहीं पाती, ऐसी अवस्था हो जाए वो पत्थर के समान हो जाए, चुप बिल्कुल, सोचने विचारने की शक्ति समाप्त। तो ये अवस्था हो गई कुंती की कि कहां तो मैं जानती हूं ये क्या पर्सनैलिटी है और इनकी ऐसी दशा हो रही है, तो ये वही है क्या? ये उस प्रेमा शक्ति का कमाल है जिसके अंडर में भगवान की ये दशा हो गई। और ये दशा यानी फैक्ट में, ये मत सोचिएगा आप लोग कि वो एक्टिंग कर रहे होंगे भगवान, अरे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं जो आप पिक्चरों में देखते हैं, डर की एक्टिंग, प्यार की एक्टिंग, हर तरह की एक्टिंग, तो ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, फैक्ट में ये दशा हो रही है। ये मत सोचिएगा भूल कर भी कि अरे उनको याद तो रहता होगा कि मैं भगवान हूं, ये स्मरण तो रहता ही होगा कि मैं भगवान हूं, भक्त को सुख देने के लिए वो ऐसी एक्टिंग करते होंगे ना, याद ही नहीं है कि मैं भगवान हूं, और फैक्ट में सब कुछ होता है वहां पर,
यही तो कमाल है उस प्रेमा शक्ति का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो प्रेमा शक्ति भगवान की भगवत्ता भुला देती है। भगवान ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और भक्त का दासत्व भुला देती है। भक्त ये भूल जाता है कि मैं दास हूं। ये दोनों वर्ग उसी प्रेमा शक्ति से होते हैं, ये उसी का कमाल है। इसीलिए सब कुछ वहां फैक्ट में होता है, वरना कोई भक्त भगवान से प्यार ही क्यों करेगा। अगर पता चल जाए कि वो एक्टिंग करते हैं तो फिर तो वो तो जोकरी हो गई, उसमें रस क्या मिलेगा किसी को, क्यों कोई भगवान से प्यार करेगा। भूल करके भी अगर किसी के दिमाग में ये गोबर भर जाए कि वो तो एक्टिंग करते होंगे, अरे उनको भला हमसे क्या सुख मिलेगा, वो हमारा आलिंगन क्यों करेंगे, क्यों अपनाएंगे हमको, हमसे उनको क्या सुख मिलना है। मैं तो एक कूड़ा कबाड़ा जीव हूं, और भगवान तो वो पर्सनैलिटी है जो महालक्ष्मी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते। क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से महालक्ष्मी भी प्रकट हुई, श्री मणि रंभा वारुणी ये सब समुद्र मंथन से निकले थे, तो तमाम देवता भी वहां पर खड़े थे और भगवान भी थे। तो वरमाला लिए हुए महालक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने सोचा कि चारों तरफ देखा, ये वरमाला मैं किसके गले में डालूं, किसका वरण करूं। तो किसी में कुछ कमी दिखाई पड़ी, किसी में शील मंगल नहीं है, किसी में शील मंगल है तो उसकी आयु कम है, वो चिरायु नहीं है, और जिसमें ये दोनों बातें हैं, शील मंगल भी है और बड़ी उम्र भी है, शंकर जी की तरफ उनका इशारा था, तो उनका भेष इतना भयंकर है, भूतों के साथ रहते हैं वो, खोपड़ी की माला पहनते हैं, सांप लटकाए रहते हैं, अरे उनसे मैं कैसे प्यार करूंगी, कभी चिपटाने का मन हो तो डर जाए व्यक्ति, तो फिर क्या किया जाए। तब विष्णु की ओर देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा कि हाँ ये इनमें सारी बातें हैं, लेकिन ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, ऐसे अकड़ू खा हैं कि देख ही लेते तिरछी निगाह से कम हम ही अपना लें इनको, लेकिन ये तो इतनी अकड़ में है कि देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। लेकिन वो रमा, वो ये जानती थी कि भगवान अगर कोई जीव शरणागत हो जाए उनके ठीक ठीक, तो फिर तो वो किसी सीधी को क्या कुबड़ी तक का आलिंगन करते हैं, उसको भी अपना लेते हैं, और वो कुब्जा भी अधिकार रखती है कहने का, आहोष्यता मिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया। कुब्जा कहती है प्रियतम कुछ दिन और रहो ना हमारे साथ, इतने अधिकार से बोल रही है। भगवान ने कहा और फालतू टाइम नहीं है हमारे पास यहां रुकने का, बहुत हो गया, आप जाना है, मुझे और भी तो काम है। तो अगर कोई जीव शरणागत हो जाए तो फिर तो आप सुनते ही हैं कि किस किस को भगवान ने अपनाया, फिर वो कोई दूसरी चीज नहीं देखते, कोई वैभव कोई सामान। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे क्या था इन सबके पास अपनाने को, तो फिर वो अगर कोई जीव शरणागत हो जाए तो वो गधा हो सुअर हो गीद हो सबको हृदय से लगाते हैं, सबको अपना बनाते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि वो एक्टिंग करते होंगे, ये सब कुछ फैक्ट में होता है। फैक्ट में उनकी भगवत्ता को भुला देती है प्रेमा शक्ति, और जीव अपना दासत्व भूल जाता है, तभी तो असली रस मिलेगा। इसीलिए देखिए जब शबरी के यहां गए राम तो क्या कर रहे हैं, वहां पर
झूठे बैर खा रहे हैं एक भीलनी के, अछूत स्त्री के। अरे तुम तो अवतार लेकर के आए हो मर्यादा पुरुषोत्तम का, तो क्या संसार को शिक्षा दोगे? कौन सा वेद शास्त्र कहता है कि किसी क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, वैश्य को अछूत स्त्री का जूठा खाना चाहिए? और ये तुम क्या कर रहे हो, संसार को क्या बताओगे? तो भगवान कहते हैं, अरे मुझे होश कहाँ है? मैं होश में हूं तब तो कुछ ध्यान रहेगा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन वो प्रेमा शक्ति ने होश ही भुला दिया, होश में ही नहीं है। इसीलिए तो प्रभु तरु तर कपी डार पर, वहां भी यही हुआ। हनुमान जी और तमाम दास्य भाव के महापुरुष वो वृक्ष पर बैठे हैं चढ़ करके, और उनके स्वामी राम वो वृक्ष के नीचे बैठे, और किसी को होश नहीं है। न तो हनुमान इत्यादि को होश है अपने आप कि हम तो दास हैं, हमारा स्वामी इस समय नीचे बैठा है और हम कहां ऊपर बैठे। उनको भी होश नहीं, लेकिन चलो उनको होश नहीं है या वो बदतमीजी कर रहे हैं, स्वामी तो ध्यान रखे, वो तो डांट दे कि क्या हो रहा है। स्वामी भी बेहोश है प्रेम समाधि में, उनको भी होश नहीं कि उनसे कह दूं, अरे भाई मुझसे नीचे नहीं तो कम से कम बराबर तो आके बैठ जाओ जमीन पर, ये कहां खोपड़ी में चढ़े जा रहे हो। तो ये उस प्रेमा शक्ति का कमाल है, जहां भक्त भगवान दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और इतना अधिकार हो जाता है भक्त का कि देखिए भक्तों ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है भगवान के लिए। 4000 शिखामणि कह रहे हैं, चोरों के नेता, जारों के नेता। चोरी भगवान क्यों करेंगे? पहली बात तो ये है कि उनको आवश्यकता ही क्या है कुछ चुराने की। जो डिग्री उनको दी जा रही है कि वो समस्त चोरों में टॉप करते हैं, उनको आवश्यकता क्या है कुछ भी चुराने की? चोरी कहते किसको है? बिना बताए कोई किसी की संपत्ति को हड़प ले, किसी का कोई सामान ले ले, वो चोरी कहलाती। लेकिन भगवान किसी से छुपा करके क्या लेंगे? अरे सारा विश्व उन्हीं का है, पतिम पति नाम, वो समस्त जगत के स्वामी हैं, उन्हीं का बनाया हुआ ये संसार, हर सामान, और फिर हर जगह वो व्याप्त हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहां वो नहीं है? तो चोरी का तो प्रश्न ही नहीं, और उनको कह रहे हैं कि वो चोरों में टॉप करते हैं। एक भक्त ने तो इतनी सुंदर वंदना की, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसीलिए एक महापुरुष कहता है, प्रथयति नवनीत चौरताम ते। वो महापुरुष भगवान से कहता है, देखिए कैसी कैसी बातें भगवान से करते हैं लोग। जब वो प्रेमा शक्ति मिल जाती है किसी को, तो वो महापुरुष कह रहा है भगवान से कि प्रथयति नवनीत चौरतांते, कि जब महापुरुष लोग तुम्हारी बुराई करते हैं संसार में कि तुम चोर हो। एक महापुरुष ने वंदना की, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, पादाश्रितानां तु समस्त चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नीलाम्बुजश्यामल कांति चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो ऐसे ऐसे चोर है, उन चोरों में अग्रगण्य, चोरों में टॉप करने वाले को मैं नमन करता हूं। वंदना भी हो गई और बुराई भी हो गई पराकाष्ठा चतुराई के साथ।
तो वो महापुरुष कहता है भगवान से कि ये जो भक्त लोग तुम्हारी बुराई करते हैं संसार में कि तुम चोर हो, जार हो, चोर जार शिखामणि हो, इस प्रकार जब प्रचारित करते हैं ये लोग संसार में, ब्रज युवती जन जारताम जनो यह, वो जब ये कहते हैं कि तुम मक्खन चुराने वाले हो और ब्रज गोपियों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करते हो, जार हो, तो इस प्रकार जब वो तुम्हारी बुराई करते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम उन लोगों को घूस के रूप में अपना लोक दे देते हो, अपने लोग उनको भेज देते हो, रिश्वत के रूप में उनको अपना लोग दे देते हो तुम। क्यों? वरना तो जिस प्रकार की वो बातें तुम्हारे बारे में करते हैं तो ऐसे लोगों को तो नरक में भेज देना चाहिए, इतनी बुराई कर रहे हैं तुम्हारी। लेकिन तुमको ये डर लगता है कि अगर मैं इनको नरक में भेज दूंगा तो नरक में कितने दिन रहेंगे, आखिर अपने पाप भोगने के बाद फिर कभी मृत्यु लोक में आएंगे, और फिर मृत्यु लोक में आएंगे तो फिर कभी मनुष्य बनेंगे, और फिर मनुष्य बनेंगे तो फिर मेरी बुराई करेंगे, फिर इसी प्रकार मेरा प्रचार करेंगे, तो इसलिए ये मेरी बुराई कर ही न सके, संसार में दोबारा आ ही न सके, इसीलिए तुम उनको अपने लोक में बुला लेते हो कि झगड़ा ही खत्म करो, मेरे लोक में आ गए, यहाँ आराम से बैठ के बुराई करो तुम लोग, यहाँ दुनिया वाले कोई है ही नहीं। यानी कितनी चतुराई के साथ भक्त ऐसी बात कर रहा है भगवान से, तो ऐसी बात सुनकर तो भगवान को और गुस्सा आना चाहिए ना कि क्या बदतमीजी है, कैसा आरोप लगा रहे हो रिश्वतखोरी का। लेकिन वो बुरा मानने के बजाय चिपटा लेते हैं ऐसे भक्तों को, विभोर हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। देखिए बुराई कितनी पसंद आ रही है उनको, अपना अपना शौक है सबका। हम लोगों को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तारीफ के भूखे रहते हैं, और भगवान को अपनी बुराई इतनी अच्छी लग रही। लेकिन ये बुराई प्रेमा शक्ति से युक्त है, वरना तो अगर कोई ऐसी बातें करने की सोचेगा भी तो सीधे नरक में भेज दिया जाएगा, नामापराध हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें उस प्रेमा शक्ति के आधार पर हो रही है जिसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है, जो भगवान से भी बड़ी पावर है, इसीलिए ऐसे भक्तों से इतना प्रेम करते हैं भगवान। भागवत में कहा गया, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर् ग्रस्त हृदय भक्तैर् भक्त जन प्रिय। समस्त वेद शास्त्र वो भगवान को ही परम स्वतंत्र बताते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जितनी पर्सनैलिटीज हैं भगवान को छोड़कर, वो तमाम महापुरुष हो या सारे मायाबद्ध जीव हो या ये माया का जगत हो, सृष्टि हो, कुछ भी हो, ये सब परतंत्र हैं। लेकिन एकमात्र वो सुप्रीम पावर, वो भगवान परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, लेकिन इस प्रेमा शक्ति ने उस भगवान की परिभाषा ही बदल दी। स्वयं एडमिट कर रहे हैं भगवान और कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। साधु भीर ग्रस्त हृदय, इन भक्तों ने मेरे हृदय को खा लिया है, समाप्त कर दिया, मुझे अपने वश में कर लिया। ऐसी वो प्रेमा शक्ति है कि भगवान दास बन जाते हैं जिसको वो मिल जाती है। और कैसे दास? संसार में तो कोई दासता अपने हाथ में होती है किसी की करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मजबूरी में ही चला गया किसी के यहाँ नौकरी करने, क्लर्क बन गया वहां जाकर, मजबूरी है उसे कमाना है,
टैलेंटेड है वो और अच्छा काम भी मिल सकता है, लेकिन इस समय किसी विवशता के कारण वो ये काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर उससे वहां पर ये करने को कहा जाए किसी दिन कि तुम पखाना साफ करो, तो इस्तीफा पकड़ा जाएगा कि ठीक है मजबूर है, इतने भी मजबूर नहीं है कि आए थे क्लर्क की नौकरी के लिए और तुम्हारे घर पे ये काम करेंगे। इस्तीफा पकड़ा देगा, चला जाएगा वहां से। लेकिन भगवान ये नहीं कर सकते, वो तो इतने अधीन है अपने भक्त के, ऐसे दास हैं कि इनकार नहीं कर सकते किसी नौकरी से। भक्त ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कानून है स्वयं का बनाया हुआ, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजामे शब्द रखा है, भज सेवायाम धातु होती है, यानी मैं सेवा करता हूं। सेवा तो वो करते हैं हमारी, हमको तो शरणागत होना है, हम शरणागति करते हैं, भगवान सेवा करते हैं। तो ऐसे दास बन जाते हैं और अनंत काल के लिए दास। ये दासता उनकी ऐसी नहीं है, संसार में तो अगर कोई गुलाम ऐसा हो जिसको क्रीत दास कहा जाता, खरीदा हुआ गुलाम, मान लीजिए ऐसी मजबूरी में किसी ने खरीद ही लिया उसको, ऐसी विवशता है कि वो बिक गया पूरे जीवन के लिए दासता करने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी दासता की एक लिमिट तो है। क्या लिमिट है? ये जीवन, जब तक उसका जीवन है तब तक वो बंधा हुआ है, तब तक उसको दासता करनी है क्योंकि वो बिक चुका है। लेकिन जैसे ही उसका ये जीवन समाप्त होगा तो दासता से भी मुक्ति मिल गई। लेकिन भगवान ऐसी दासता नहीं करते, वो जो दास बनते हैं भक्त के तो सदा पश्यन्ति सूरयः, अनंत काल के लिए अपने उस भक्त के दास बन जाते हैं। और भक्त की उंगली के इशारे पर नाचते हैं, ऐसे नाचते हैं जैसे मदारी नचाता है बंदरिया को, बंदर को, ऐसे ही नाचना पड़ता है उनको भक्त के इशारे पर, जैसे माया नचा रही है हम लोगों को, इनकार नहीं कर सकते। तो ये वो प्रेमा शक्ति है जो भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है, भगवान से भी बड़ी पावर है ये प्रेम। लेकिन देखिए शक्ति तो ये भगवान की ही है, ये कोई चौथा तत्व नहीं है अलग से, तत्व तो तीन ही है। वो कैसे? क्योंकि ये जो शक्ति है जिसके अंडर में भगवान है, प्रेमा शक्ति के अंडर में, ये उन्हीं की शक्ति है, ये कहीं अलग से नहीं आई है, लेकिन अपनी ही शक्ति के अंडर में है भगवान। जैसे हम लोग दास हैं आनंद के, हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं, तो सत के दास हैं, चित के दास हैं, आनंद के दास हैं हम। इसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चित आनंद का दास होता है। लेकिन ये सत और चित, ये दोनों शक्तियां आनंद में ही अंडरस्टूड हैं, इसीलिए ये आनंद कि जो शक्ति है प्रेमा शक्ति, ये भगवान की ही शक्ति है, ये कोई अलग तत्व नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति है कि भगवान इसके दास हो जाते हैं, इसके अंडर में हो जाते हैं। तो ये प्रेमा शक्ति का कमाल है। इसीलिए देखिए भक्त लोग वो भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान सामने खड़े हैं और किसी भक्त से कहते हैं वर मांगो, तो हर भक्त उनसे क्या मांगता? रामायण में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, काकभुशुंडी जी क्या मांग रहे हैं? अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भक्ति दे दीजिए, अपनी निष्काम भक्ति दे दीजिए। अरे भक्ति मांग रहे हैं,
तो क्या भगवत प्राप्ति बिना भक्ति के हो गई इनको? कि भगवान जो सामने खड़े हैं, दर्शन मिल रहा है, तो पहले तो भक्ति मिल गई होगी, तभी तो दर्शन मिल रहा है। हाँ, भगवत प्राप्ति तो भक्ति से ही होती है, लेकिन अब जब भगवान सामने खड़े हैं और जिद पे अड़े ही हैं कि कुछ मांगो, तो बेचारा क्या मांगे? ये दर्शन वर्शन तो मामूली बात है, वो तो सामने खड़े ही हैं, और मोक्ष वो तो और नीचे की चीज है। तो वो नीचे की कक्षा वाली चीज कोई क्यों मांगेगा जब भगवान सामने खड़े हैं? और उससे भी नीचे है ये भुक्ति, संसार का ऐश्वर्य, उसको तो कोई क्रैक ही मांगेगा भगवान सामने खड़े होने के बाद। तो फिर ये भक्ति क्यों मांग रहा है? क्योंकि यही तो वो पावर है कि हाथ में आ जाती है तो उसके बाद भगवान तो अपने हाथ में है, जब चाहे उनको सामने खड़ा कर दो, जब चाहे प्रकट कर दो। कि प्रेमा शक्ति का स्विच दबाया और भगवान प्रकट हो गए। जब ये सारा कमाल इसी शक्ति का है तो वो प्रेम ही तो मांगेगा भक्त, सबसे बड़ी चीज, जो सबसे चतुर होगा और क्या मांगेगा? लाइट, ये जो लाइट के विषय में आप सुनते हैं, स्विच ऑन करते ही तुरंत लाइट आ गई, इमीडिएटली। ये जो तुरंत शब्दों का प्रयोग, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लाइट के लिए, तो ये शब्द उस लाइट के लिए उचित नहीं है तुरंत। क्यों? क्योंकि उस लाइट की भी एक लिमिट है। उस लाइट को भी अगर 186,000 मील की दूरी पर पहुंचना है, वहां तक लाइट जाएगी तो 1 सेकंड का टाइम उसको भी लग जाएगा। लेकिन ये जो प्रेमा शक्ति का स्विच है, ये किसी के हाथ में आ गया तो ऑन करते ही तुरंत भगवान प्रकट, वहां फिर 1/100 सेकंड की भी देर नहीं लगती। इसीलिए सारे भक्त लोग इस प्रेमा शक्ति की याचना करते हैं, इसी प्रेमा भक्ति को मांगा करते हैं, क्योंकि भगवान तो अपनी इसी शक्ति का दास है। तो ये वो पावर है जो भगवान से भी बड़ी है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान से बड़ी है। भगवान इसके अंडर में हो जाते हैं और इसके अधीन रह करके भक्तों की दास्ता करते हैं अनंत काल तक। इसीलिए भक्त लोग इस प्रेमा शक्ति की वंदना किया करते हैं, बलिहार जाते हैं इस प्रेम तत्व पर। श्री महाराज जी ने कितना सुंदर कीर्तन बनाया है, धनी धनी प्रेम, धनी धनी नंद नंदन, करुवंदन प्रेम अरु नंद नंदन। दोनों ही धन्य है, पहले प्रेम का नाम लिया, ये प्रेम भी धन्य है, और ये प्रेम जिनकी शक्ति है वो नंद नंदन श्याम सुंदर, वो भी धन्य है। हम दोनों की ही वंदना करते हैं, दोनों को नमन करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? होड़ जग हो प्रेमारु नंद नंदन। जब कभी भगवान में और इस प्रेमा शक्ति में कंपटीशन होता है, होड़ होती है भक्त के प्रेम में और भगवान में, तो रिजल्ट क्या निकलता है? जीते नित प्रेम, हारे नित नंद नंदन। अपने इस प्रेमा शक्ति के आगे, भक्त के प्रेम के आगे, सदा नंद नंदन श्याम सुंदर को हारना पड़ता है। भक्त की ही सदा जीत होती है, ऐसा ये सर्वदा विजयी तत्व है, प्रेम तत्व, जिसके विषय में नारद जी ने कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। शब्दों की वहां तक गति ही नहीं है, इसीलिए वो सबसे बड़ी पावर है, अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। बस इतना ही हमको समझना, इससे आगे इसके विषय में न कोई बता सकता है और न समझ सकता, क्योंकि वाणी का विषय ही नहीं है ये प्रेम।
भगवान भी निरूपण नहीं कर सकते इस शक्ति का, ऐसा इस प्रेमा शक्ति का कमाल है।